वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन 10, देखिए क्वेश्चन 10 भी एक एक्टिविटी है। आस्क ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास टू राइट ए 3-डिजिट नंबर। सभी जो विद्यार्थी आपके कक्षा में है उनको कहिए कि एक ऐसा नंबर लिखिए जिसमें 3 डिजिट हो, 3 अंक हो। चूज एनी स्टूडेंट फ्रॉम द रूम एट रैंडम, कमरे में से एक स्टूडेंट को खड़ा कीजिए। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर रिटन बाय हर या हिम इज डिविजिबल बाय 3। आपको पता करना है कि क्या संभावना है कि जो उसने जो नंबर लिखा है वो 3 से भाज्य है, 3 से भाग दिया जा सकता है। रिमेंबर दैट ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। आपको ध्यान रखना है कि उसी संख्या में 3 का भाग जा सकता है जिसकी संख्याओं में 3 का भाग जा सकता है, जिसके डिजिट्स में 3 का भाग जा सकता है। देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके विद्यार्थी ने, हम बड़ा नहीं लेते, छोटा ही ले लेते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए आपके स्कूल में जो है, आपके क्लास में 4 विद्यार्थी हैं। आपने सबको बोला 3-3 अंकों की संख्या लिखो। देखिए एक ने लिख दिया 278, एक ने लिख दिया 333, एक ने लिख दिया 527, एक ने लिख दिया 609। ठीक है, वैसे कितने भी हो सकते हैं बच्चे। हम अपने समझने के लिए हम जो है 4 बच्चों को लेते हैं, उसमें से किसी एक को खड़ा कर दिया आपने। ठीक है, किसी एक को खड़ा कर दिया, मान लिया हमने इसको खड़ा कर दिया। उसके द्वारा लिखी गई संख्या के 3 से विभाज्य होने की क्या संभावना है, इसको 3 से विभाज्य होने की संभावना क्या है। अब देखिए 3 से विभाजन कौन सा शब्द है, उसमें लिखा है कि 3 से संख्या कौन सी विभाजित होती है जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। देखिए इसके अंकों का योग कितना है, 8, 7, 15, 2, 17, 3 से विभाज्य नहीं है। इसका कितना है 9, ये 3 से विभाज्य है। ये कितना है 14, ये भी 3 से विभाज्य नहीं है। और 9, 6, 15, ये 3 से विभाज्य है, यानी 2 संख्याएं जो 3 से विभाज्य है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, कुल संख्या 4 है, 4 में से 2 संख्याएं ऐसी है जो 3 से डिविजिबल होती है, तो 3 से डिविजिबल है, 3 से भाज्य है। ठीक है, तो 2 में 2 है 4 में से, ये इसकी प्रायिकता हो गई 1/2। ठीक है, 1/2, तो हम कहेंगे कि उसके द्वारा लिखी गई संख्या है उसके 3 से विभाज्य होने की क्या प्रायिकता है, हम कहेंगे 1/2। ठीक है, 2 में से 1 हो सकती है, ये आ गई। क्लियर, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।